ऋतुराज गायकवाड 60 रन, डेवन कॉनवे 40 रन, रविंद्र जडेजा 22 रन प्लस 2 विकेट, राशिद खान 30 रन और 1 विकेट, सुमन गिल 42 रन, आपके महेश तीक्षणा, दीपक चाहर, मोहम्मद शमी सबको दो दो विकेट मिली, बाकी एक एक विकेट आपके मिली किसे, नूर अहमद को और बाकी के लोगों को। तो गाइज मैंने कल बताया था आपको, कल वाली वीडियो में बोला था कि जो जो प्लेयर्स मैं बोल रहा हूँ, जिनको बता रहा हूँ, ये पक्का परफॉर्म करेंगे, और सेम का सेम वही हुआ। जिन जिन प्लेयर्स के मैंने आपको नाम बताए थे वो सारे के सारे प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे मैंने वीडियो शुरू होते ही आपको बता दिया था कि आज का जो मैच है इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि स्पिनर और पिच का बहुत ज्यादा रोल रहेगा। तो गाइज वैसा ही हुआ, पिच का भी बहुत ज्यादा रोल रहा, स्पिनर का गेम में दबदबा रहा। तो सेम उसी ग्राउंड में आज फिर से मुकाबला खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच, जिसके लिए आपको फैंटेसी की सारी टिप्स लेकर आया हूं। प्लेयर्स के स्टैट्स क्या है, क्या ग्राउंड की रिपोर्ट है, किस तरीके से मतलब पिच बिहेव कर रही है, परफॉर्म कौन सा प्लेयर करेगा, कौन सा फ्लॉप रहेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। चलो गाइस शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। तो मुंबई और लखनऊ के बीच मैच है, एलिमिनेटर का मैच है। चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है, तो भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बाकी टीम न्यूज की बात करते हैं गाइस शुरू से। तो देखो दोनों की दोनों जो टीमें हैं जीत के बाद आ रही हैं, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आ रही हैं, तो इनमें प्लेइंग 11 में अपना जो चेंजेस है बहुत कम कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो कायल मायर्स, आज के मैच में कायल मायर्स हो सकता है कि वापसी करें और खेलते हुए नजर आए। बाकी जो मुंबई इंडियंस है 2 साल बाद प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर रही है, ठीक है, 2 साल बाद प्ले ऑफ खेल रही है मुंबई इंडियंस की टीम। गाइस बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। कायल मायर्स, क्विंटन डीकॉक, प्रेरक मनकर्ण, मार्कस स्टोइनिस, कुणाल पांड्या, आयुष बदोनी, निकोलस पूरन, कृष्णप्पा गौतम, रवि बिश्नोई, नवीन उल हक और आपके मोहसिन खान और यश ठाकुर, जो कि आ सकते हैं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। तो ये तो रहने वाली है लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11, ठीक है। बाकी आगे बात करते हैं मुंबई की, तो रोहित शर्मा, ईशान किशन दोनों ओपन करेंगे, कैमरॉन गिरी नंबर 3 खेलेंगे, क्योंकि इनको नंबर 3 ही रास आता है। सूर्यकुमार यादव, निहाल वडेरा, टिम डेविड, क्रिस जॉर्डन, पीयूष चावला, जेसन बैरनडॉर्फ, कुमार कार्तिके, आकाश मधवाल, इस तरीके से रहने वाली है आपकी मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11। बाकी गाइस बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड के बारे में। तो आपके 3 मैच खेले गए हैं दोनों टीमों के बीच, और तीनों के तीनों मैचों में मात दी है लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुकाबला आज रहने वाला है, और आज कोई मायने नहीं रखता कि 3 मैच जीते हो या 3 मैच हारे हो, क्योंकि आज जो मैच है एलिमिनेटर का मैच है और मुंबई इंडियंस ऐसे बड़े मैच में कमबैक करती है, ठीक है। आगे बात करते हैं पिच रिपोर्ट की सेम कल वाली पिच है। अगर आप कल वाली वीडियो को देखे होगे तो आपको समझ आया होगा, मैंने आपसे बोला था बैटिंग के लिए बहुत डिफिकल्ट पिच है वो, तो ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे ने बढ़िया पारी खेली। बाकी आपको एक चीज बता दूं, ना तो लखनऊ सुपर जायंट्स में और ना मुंबई इंडियंस में दोनों की टीम के ओपनर्स परफॉर्म अच्छे नहीं कर पा रहे हैं। वहां रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, यहां पर आपके क्विंटन डीकॉक को भी साथ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो बात अलग है चेन्नई की, क्योंकि चेन्नई में ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे मतलब अपने फॉर्म में है, इसलिए वो 175 तक कहानी पहुंची है, ठीक है। लेकिन आज के मैच में उतना ज्यादा इसको नहीं जा सकता है, क्योंकि जो बता दूं मैं आपको दोनों टीमों के ओपनर्स के साथ दिक्कत चल रही है, ठीक है। बैटिंग के लिए डिफिकल्ट है पिच, स्पिनर को हेल्प करती है, जैसे कि आपने कल के मैच में देख ही लिया होगा 2-2 विकेट हर एक गेंदबाज को मिले हैं। पेसर्स को स्पीड से बॉल डालनी होती है, स्विंग वगैरह नहीं देखने को मिलता है। सिल्वर वन डालो, कटर्स डालो, बैक ऑफ द हैंड से डिलीवरी डालो, तब जाके पेसर्स को विकेट मिलती है, ठीक है। मतलब अपने वेरिएशन को चेंज करते रहना है। बाकी एवरेज की बात करें तो एवरेज यहां पर 160 के समथिंग रहता है, और आज के मैच में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 160-165 के बीच स्कोर जा सकता है, ठीक है। डिफेंड करना आसान होता है, आपने कल के मैच में देख ही लिया होगा कि कल के मैच में बहुत बढ़िया तरीके से डिफेंड हुआ है। बाकी गाइस आगे बात करते हैं प्लेयर्स के स्टैट्स की, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो पिच रिपोर्ट, दूसरा प्लेयर्स के स्टैट्स, आपको पता लग जाता है कि कौन सा रेगुलरली परफॉर्म कर रहा है और कौन सा प्लेयर है जो कि फ्लॉप है, ठीक है। कायल मायर्स की बात करते हैं गाइस, 54 रन, 0 रन, 14 रन, 48 रन, 2 रन, पिछली 5 पारियों में 2 पारियां खेली हैं सही, बाकी 3 पारियों में फ्लॉप रहे हैं। क्विंटन डीकॉक 6 रन, 70 रन, 29 रन, 16 रन, 28 रन,
इनको भी साथ नहीं मिल पा रहा है, तो कुंटंडी को भी बढ़िया तरीके से नहीं खेल पा रहे हैं। प्रेरक मणिकांत 64 रन, 0 रन और 26 रन, मतलब ओपनर्स आउट होने के बाद फिर जो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है थोड़ी सी मजबूत हो जाती है। मार्कस एस्टोनिस 6 रन, 4 रन, 40 रन और 89 रन, 0 रन, इस तरीके से मार्कस एस्टोनिस है। बाकी आपके कुणाल पांड्या 0 रन, 0 रन प्लस 0 विकेट, 0 रन फिर 2 विकेट, आपके 49 रन, 0 विकेट, 9 रन प्लस 1 विकेट। और आज के मैच में गाइज आपको एक चीज बता दूं, कुणाल पांड्या पक्का रन बनाएंगे और 2 विकेटें लेंगे, ये मेरे से लिखवा के ले लो। कुणाल पांड्या बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे आज, क्योंकि अगर ये 4 के 4 ओवर डालते हैं तो 2 विकेटें ये पक्का लेंगे और आपके रन भी बना के देंगे, इतनी मेरी गारंटी है। बाकी बात करते हैं आयुष बदोनी की, तो 59 रन, 21 रन, 0 रन, 0 रन, 25 रन, आयुष बदोनी आज के मैच में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी निकोलस पूरन 20 रन, 3 रन, 44 रन, 8 रन, 58 रन, निकोलस पूरन 20 से ऊपर रन बनाएंगे आज के मैच में। कृष्णप्पा गौतम 1 रन प्लस 1 विकेट, 23 रन प्लस 1 विकेट, 11 रन प्लस 1 विकेट, आज के मैच में कृष्णप्पा गौतम को 1 विकेट मिलेगा, ठीक है। रवि बिश्नोई 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, नवीन उलहक 1 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, इस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस है। बाकी नवीन उलहक वेरिएशन बदलते रहते हैं तो इनको भी विकेट मिलने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। मोहसिन खान 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट। बाकी यश ठाकुर 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अमित मिश्रा, अगर खेलते हैं तो अमित मिश्रा को विकेटें आज मिलेंगी, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1, इस तरीके से परफॉर्मेंस है अमित मिश्रा की। बाकी बात करते हैं मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स की, तो रोहित शर्मा 0 रन, 7 रन, 29 रन, 37 रन और 56 रन, ईशान किशन 7 रन, 42 रन, 31 रन, 59 रन और 14 रन, मतलब थोड़ा अच्छा कर रहे हैं ईशान किशन रोहित शर्मा से। कैमरॉन ग्रीन्स 6 रन, 2 रन, 3 रन, 4 रन और 100 रन, ठीक है, सीधे 3-4 के बाद सीधे 100 पर जा रहे हैं मतलब। बाकी सूर्यकुमार यादव 26 रन, 83 रन, 103 रन, 7 रन और 25 रन। देखो सूर्यकुमार यादव आज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, अगर ये बच के रहते हैं रवि बिश्नोई से, क्योंकि इनको परेशान करते हैं रवि बिश्नोई, और सूर्यकुमार यादव स्पिन को अच्छा खेलते हैं, स्वीप वगैरह बढ़िया लगाते हैं, तो रवि बिश्नोई से अगर ये थोड़ा बहुत बच जाते हैं तो फिर सूर्यकुमार यादव आज के मैच में अच्छी पारी खेल सकते हैं, ठीक है। बाकी ईशान किशन भी परेशान करेंगे गेंदबाजों को लखनऊ के। इसके बाद बात करते हैं टिम डेविड की, 2 रन, 0 रन, 5 रन, 32 रन और 0 रन, फ्लॉप रहे हैं। क्रिस जॉर्डन 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, इस तरीके से क्रिस जॉर्डन है, लेकिन डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, वेरिएशन बदलते हैं तो इनको विकेटें मिल सकती हैं। पीयूष चावला की बात करते हैं, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट, इस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस है। और पीयूष चावला मुंबई इंडियंस के सबसे मंझे हुए गेंदबाज हैं और इनको ये जो चेन्नई की पिच है रास आती है, तो चेन्नई की पिच पर पीयूष चावला को विकेटें मिल सकती हैं। जेसन बैरनड्रॉफ 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, जेसन बैरनड्रॉफ इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये जो ओवर डालेंगे शुरुआती ओवरों में डालेंगे, नई गेंद होती है, नई गेंद के साथ विकेटें लेते हैं, ठीक है। कुमार कार्तिकेया 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, दो मैचों में परफॉर्म किया है, बाकी 3 मैचों में फ्लॉप रहे हैं। आकाश मधवाल 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट और 4 विकेट, बंदा बढ़िया खेलता है। निहाल वडेरा 64 रन, 52 रन, 15 रन, 16 रन और 0 रन, इस तरीके से परफॉर्मेंस है निहाल वडेरा की। बाकी गाइस आगे बात करते हैं फैंटेसी टिप्स की, तो विकेट कीपर में देख लेते हैं। विकेट कीपर में ईशान किशन आपके लिए कॉमन रहेंगे, हर एक की टीम में देखने को मिलेंगे, सेफ रहेंगे, लेकिन निकोलस पूरन आज आपके लिए ट्रंप साबित हो सकते हैं, बढ़िया पारी खेल सकते हैं, बड़ा मैच और बड़े मैच में ये बंदा प्रेशर को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करता है। बैटर्स में क्विंटन डीकॉक, सूर्यकुमार यादव, रोहित शर्मा कॉमन पिक रहेंगे, ज्यादातर टीमों में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन टिम डेविड और आयुष बदोनी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो कैमरॉन ग्रीन, मार्कस एस्टोनिस आपके लिए सेफ रहेंगे, कॉमन पिक रहेंगे, लेकिन कुणाल पांड्या आज का मैच जैकपॉट बना सकते हैं इनके द्वारा। आप बॉलर्स की बात करें, पीयूष चावला, नवीन उलहक, रवि बिश्नोई, ये आपके लिए कॉमन पिक रहेंगे। अमित मिश्रा, जेसन बैरनड्रॉफ, आकाश मधवाल, ये आपके लिए ट्रंप साबित हो सकते हैं। बाकी गाइस बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट की, कैप्टन वाइस कैप्टन की, ज्यादातर लोग जो कैप्टन वाइस कैप्टन रखने वाले हैं कैमरॉन ग्रीन, मार्कस एस्टोनिस, क्विंटन डीकॉक और रोहित शर्मा, बहुत सारी टीमों में होंगे,
ये तो आपके कॉमन पिक रहेंगे, लेकिन अगर थोड़ा आप अलग करना, बाकी ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, कुणाल पांडे और रवि बिश्नोई, ये आपके लिए ट्रंप कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं, आप इनको रख सकते हो और बहुत अच्छा परफॉर्म करके आपको दे सकते हैं। तो इसमें आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम में यूज कर सकते हो ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, कुणाल पांडे और रवि बिश्नोई को कैप्टन वाइस कैप्टन में। तो ये थी फैंटेसी की टिप्स, मैंने जो अभी टीम बनाई है वो आपको साइड में दिख रही होगी, लेकिन मेरी जो फाइनल टीम है वो टॉस के बाद ही आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, क्योंकि जो लाइन अप्स है मैच का वो टॉस के बाद अनाउंस होता है, कौन सा प्लेयर खेल रहा है कौन सा प्लेयर नहीं खेल रहा है, तो फिर आपको वो टेलीग्राम पर मिल जाती है। इसलिए टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करके रखिए, वहां पर ना सिर्फ फैंटेसी में आपको बहुत सारे ऐसे गेम्स बताता हूँ जिन्हें यहाँ पर नहीं बता सकते, लेकिन टेलीग्राम पर आप जुड़ के वहां से बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। तो गाइज आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में पिन है, वहां से जा सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा रन बनाएगा उसका नाम जरूर लिखें, आपका आंसर अगर सही हुआ तो आपका कॉमेंट पिन किया जाएगा। चलो गाइज मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए और कमाते रहिए।